नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आज के इस वीडियो में। देखो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, ये वीडियो आधारित है, यानी कि जो आज का टॉपिक है वो साफ एक बैंक यानी आईडीबीआई बैंक पर ही डिपेंड है। पूरा का पूरा जो वीडियो होगा दोस्तों, वो आईडीबीआई बैंक को ही लेकर मैंने बनाया है। यानी कि चर्चा करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे कि आने वाले समय में अगर हम आईडीबीआई बैंक में निवेश करते हैं तो वहां से कितनी रिटर्न हम लोगों को मिल सकती है, यहां से अफोर्ड कितना हो सकता है आईडीबीआई बैंक में। देखो दोस्तों, आगे जाने से पहले यानी आईडीबीआई को जो शेयर्स प्राइस है उसको समझने से पहले कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, थोड़ा सा इसका फ्लैशबैक यानी कि पीछे चलते हैं हम लोग, इसको समझने की कोशिश करते हैं। वो भी चीज जानने की जरूरी है कि जो चीज आईडीबीआई बैंक में हुई, क्या ये दो बैंक जो सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है सरकारी बैंकों का, उसमें भी सरकार यूटिलाइज कर सकती है, यानी कि एलआईसी को उसमें भी इन्वॉल्व कर सकती है, क्या ये संभव है? ऐसा भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर जैसे आईडीबीआई को एलआईसी ने बचाया है, क्या दूसरे बैंकों को भी सरकार एलआईसी के थ्रू बचा सकती है? क्वेश्चंस कुछ भी, कोई भी कुछ भी पूछ सकता है दोस्तों। एक ने पूछा है कि सर क्या एलआईसी बैंक, ये जो मेरे ख्याल से आईडीबीआई बैंक है, एलआईसी की हिस्सेदारी ज्यादा है, क्या एलआईसी बैंक बन सकता है? ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हर कोई कुछ ना कुछ सवाल पूछ सकता है। पहले भी ये क्वेश्चन आया था कि आईडीबीआई में जो एलआईसी की हिस्सेदारी है वो ज्यादा है, इसलिए एलआईसी अपना बैंक का कारोबार इसमें शिफ्ट कर सकती है, यानी प्रीमियम कलेक्शन एलआईसी अपने उसमें ब्रांच में कर सकती है, और जो बैंक से रिलेटेड है जैसे लोन वगैरह देना, हाउसिंग लोन की, तो उसकी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस सब्सिडियरी है, तो उसमें उसको शिफ्ट कर सकती है। तो आगे सारी चीजों में दोस्तों चर्चा करेंगे, इस वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, बहुत ही सोच समझ के बनाया गया है, काफी कुछ अध्ययन करा है। दो तीन दिन तक मैंने जो छुट्टी है, कल की भी छुट्टी थी और मार्केट की आज की भी छुट्टी है, तो मैंने ये अध्ययन करके ये बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाया है। चलिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आईडीबीआई की कहानी दोस्तों शुरू होती है सन 2016 से। 16 में जब इसके जो एनपीए हैं दोस्तों, ग्रोस एनपीए बढ़ने शुरू हो गए थे, यानी कि स्थिति इसकी माली हालत खराब होनी शुरू हो चुकी थी। 10 से इसके जो एनपीए थे, यानी कि 16 से 20 तक इसके एनपीए साहब मेरे ख्याल से 28% के आसपास पहुंच चुके थे ग्रोस एनपीए। अगर मैं इसकी कैपिटल में बताऊं तो मेरे ख्याल से 50,000 करोड़ से ऊपर के आसपास के ग्रोस एनपीए इसके हो चुके थे। सिर्फ आप परसेंटेज में जानने की कोशिश करिए कि ग्रोस एनपीए 28% तक पहुंच गए थे आईडीबीआई बैंक के 16 से लेकर सन 2016 से ये कहानी शुरू हुई थी दोस्तों, और 18-19 तक ये मेरे ख्याल से 28% के आसपास इसके ग्रोस एनपीए पहुंच चुके थे। उसी समय सरकार ने एक निर्णय लिया दोस्तों, ये जो निर्णय सरकार लेती है ये बैंकों को बचाने के लिए ही लिए जाते हैं। स्पेशली जो बैंक आईडीबीआई में सरकार ने जो पूरा प्लानिंग तैयार करी थी वो सिर्फ बैंक को बचाने के लिए तैयार की थी, क्योंकि 28% का ग्रोस एनपीए लगातार, बैंक की हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही थी, कोई विकल्प सरकार के पास नहीं बचा था, और सरकार के पास सिर्फ एक ही विकल्प था, प्राइवेटाइजेशन आईडीबीआई बैंक का। एक यही राष्ट्रीयकृत बैंक था जो कानून, राष्ट्रीयकरण कानून के दायरे से बाहर था, इसलिए सरकार को इसमें आसानी थी अपना हिस्सा बेचने की। सरकार के पास इसमें दोस्तों 86% के आसपास इसमें हिस्सेदारी थी। सरकार ने सोचा क्यों ना इसमें अपनी हिस्सेदारी बेची जाए, लेकिन बेचे किसको, सामने कोई खरीदार भी तो होना चाहिए। जब सरकार ने बहुत हाथ पैर मारे साहब, कोई खरीदार नहीं मिला, फाइनली दोस्तों इसमें एलआईसी को इन्वॉल्वमेंट करना पड़ा, यानी कि एलआईसी को सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बेची। यानी कि पहले भी आईडीबीआई बैंक में एलआईसी की साथ मेरे ख्याल से 10-11% के आसपास हिस्सेदारी थी। सन 2018 में लास्ट में एलआईसी ने 21,000 करोड़ में साहब 51% की आईडीबीआई बैंक में हिस्सेदारी खरीदी। ये प्रक्रिया दोस्तों 2019 में जाके पूरी हुई, यानी कि आप सरकार की हिस्सेदारी आईडीबीआई बैंक में 47 और साथ एलआईसी की आईडीबीआई बैंक में 51% की हिस्सेदारी हो चुकी थी। उसके अलावा भी दोस्तों बहुत सारा पैसा, मेरे ख्याल से 9,000 करोड़ के आसपास और भी इसमें पैसा डाला। मकसद सिर्फ एक ही था कि किसी तरह इस बैंक को एक सुटेबल कंडीशन में पहुंचाया जाए, यानी कि बहुत ही ज्यादा हालत खराब थी इस बैंक की। किसी तरह सरकार का मकसद था कि बैंकों को बचाया जाए। एक के बाद एक बैंक साहब अपनी हालत दिखा रहे थे, यस बैंक आपके सामने एग्जांपल है।
लक्ष्मी विलास बैंक आपके सामने एग्जांपल है। बहुत सारे दोस्तों ऐसे बैंक थे, मैंने बता रखा है पिछली वीडियोस में कि लक्ष्मी विलास बैंक को सिंगापुर की जो बैंक है उसके साथ टाई अप कर दिया गया, मिला दिया गया, मर्ज कर दिया गया। पिछली वीडियो जाके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाए। यस बैंक को साहब, SBI, कोटेक को, सबको मिलजुल के साहब बचाया। आपने शायद मेरे ख्याल से याद होगा जब यस बैंक का प्राइस 6 रुपए के आसपास आ गया था। तो इसी तरह दोस्तों सरकार का प्लान बैंकों को बचाने का है। ये धीरे धीरे करके सरकार मर्ज करे, मर्ज भी करा, बहुत से छोटे बैंकों को बड़े बैंकों में मर्ज किया हुआ है। कुछ बैंक बचे हैं तो मर्जर की प्रक्रिया होनी थी लेकिन वो कोरोना के कारण नहीं हो पाई, वो भी मैंने वीडियो में पिछली वीडियो में बहुत सारी चीजें बताई हैं। चलिए कोई बात नहीं, वो वीडियो आप जाके देख लीजिए, आपको सारी चीज समझ में आएंगी। ये वीडियो स्पेशली IDBI बैंक के लिए है। तो मैं बता रहा था आपको कि फिलहाल जब वो कहानी दोस्तों 2018 में उस समय सारी प्रक्रिया हो चुकी थी, उस समय LIC की इसमें IDBI में LIC की हिस्सेदारी 51% हो चुकी थी और सरकार की 47% हिस्सेदारी हो चुकी थी। 98% तक ये हिस्सेदारी दोनों की मिलके हो गई थी। 2% बचते हैं, 2% में आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, FII DII सब कोई हर कोई हो सकता है 2% में। उसके बाद दोस्तों इसकी कहानी शुरू हुई, यानी कि LIC जो अब तक घाटा कर रहा था, जो क्वार्टर इसका दिसंबर का क्वार्टर आया उसमें इसने 300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट शो करा। जो बैंक लॉस दिखा रहा था कंटिन्यूटी में 13 क्वार्टर दोस्तों जिसने कंटिन्यूटी में लॉस दिखाया हो, उसके बाद 300 करोड़ का प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर में दोस्तों IDBI बैंक ने पोस्ट करा। यानी कि बैंक खतरे के जो निशान होता है, जैसे कहते हैं ना गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, उसी तरह IDBI खतरे से निकल रहा था धीरे धीरे। कारण सिर्फ एक था, सरकार ने जो इसका प्लान मसौदा तैयार करा था सिर्फ यही था कि बैंक को घाटे से मेरे ख्याल से प्रॉफिट में सरकार इसको लेके आ गई थी। आप देखिए इसकी पूरी बैलेंस शीट अगर मैं बताने लग जाऊं तो मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे का ये वीडियो बन जाएगा। 18 से लेकर 16 से लेकर इसकी बैलेंस शीट देखिएगा, ग्रोस NPA देखिएगा किस तरह बढ़ते गए और फाइनली अब इसके ग्रोस एनपीए में ज्यादा इसमें बड़ी मेरे ख्याल से 20 के आसपास चल रहे होंगे ग्रोस NPA। एग्जैक्ट फिगर में बगल में ग्राफिक्स लगाने की कोशिश करूंगा, मैं जो बोलूंगा वहां से यहां से जो राउंड फिगर होगी, जैसे 21,000 करोड़ में जो LIC ने IDBI बैंक पे हिस्सेदारी खरीदी वो 20,800 है। तो ये बगल में जो ग्राफिक चलेंगी इसमें आप देखते रहिएगा। तो मैं कह रहा था दोस्तों कि कंटिन्यूटी में जो IDBI लॉस पोस्ट कर रहा था 2016 से, ग्रोस NPA बढ़ते जा रहे थे, अब जाके 2020 में ये ग्रोस NPA 20 के आसपास है, थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि चलिए एक बात तो ठीक हुई कि बैंक ने प्रोविजनिंग घटाने के बाद 1600 करोड़ के आसपास का मेरे ख्याल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया था। देख लेते हैं एक बार, देखिए दिसंबर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1639 करोड़ था IDBI बैंक का, इसमें साफ प्रोविजनिंग करी उसने 796 करोड़ की, यानी कि अपने पास से पैसा बैंक ने लगा चुका था, इतनी कैपेबिलिटी थी। यानी कि 1600 करोड़ रुपए बैंक ने कमाए और 700 करोड़ की प्रोविजनिंग कर दी, फिर भी कुछ बचा, कितना बचा साहब बैंक के पास, बचा 842 करोड़। टैक्स घटा दिया साहब 464 करोड़, और फिर भी उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आया वो 378 करोड़ का था, जो सरकार चाह रही थी वही बैंक ने दिखाया। इसी कारण दोस्तों RBI ने PCA से इसको बाहर कर दिया। 10 मार्च की ये खबर है, ग्राफिक्स में सब चीज चलती रहेगी, उसमें भी देखते रहिएगा। IDBI को प्राइवेट तो बहुत पहले ही IDBI बैंक को प्राइवेट तो बहुत पहले ही डिक्लेयर कर दिया था। तो बहुत से दोस्तों कारण थे, बहुत सारी चीजें इसमें समझने की थी, मैंने आपको समझा दी कि किस तरह IDBI बैंक एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, ये बैंक कह सकते हैं, उसके बाद साहब ये धीरे धीरे प्रॉफिट की तरफ आ रही है। यही सारी चीज दोस्तों सरकार चाहती है दूसरे बैंकों में। क्या अब सरकार दूसरे बैंकों में भी LIC का सहारा ले सकती है? ये भी एक क्वेश्चन आया था, आपका मैसेज आया था, कमेंट्स आया था, क्या अब दूसरा बैंक जो दो बैंक सरकार प्राइवेट कर रही है गवर्नमेंट बैंक को, क्या उसमें LIC का सहारा ले सकती है? जिस प्रकार इसको प्रॉफिट लॉस से प्रॉफिट मिला है, इस प्रकार दूसरे बैंक में LIC का सहारा लेके क्या सरकार
उसको कर सकती है। तो ये दोस्तों सवाल है, अभी ये कहना जल्दबाजी होगा क्योंकि LIC का ऑलरेडी इसमें बहुत पैसा 21,000 करोड़ के आसपास लगा हुआ है, और भी पैसा दिया था। तो सरकार अगर चाहे जिसमें हिस्सेदारी ज्यादा हो उसको ये LIC को भी दे सकती है, अगर अगर साहब खरीदार नहीं मिला। खरीदार मिल गया तो भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो, फिर तो कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं। तो दोस्तों ये कहानी थी IDBI बैंक की, ऐसा कुछ मेरे ख्याल से इसमें बताने की बात है नहीं। और जो सरकार की, देखिए बात ऐसी थी कि जो इसमें 47% की हिस्सेदारी सरकार की थी, अब ये फाइनल डिसीजन हो गया। बजट में ऑलरेडी कह दिया था निर्मला सीतारमण जी ने कि हम इसमें अपनी, मैं अपनी सरकार अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचेगी, अब ये फाइनलाइज हो चुका है। क्या आप था LIC को बेच दे, और LIC को अगर बेच देगी क्या था LIC अपनी मेरे ख्याल से 100% का स्टेक ले ले, 98% का, यानी सरकार की हिस्सेदारी LIC ले ले। क्योंकि कोई अगर दूसरी कोई कंपनी इसमें, कोई निवेशक इसमें हिस्सेदारी लेता है तो एक विरोधाभास स्थिति पैदा हो सकती है। तो मेरी जो संभावना है, मैं जो सोच रहा हूं, ऐसा नहीं है कि जो मैं सोच रहा हूं वही होगा, लेकिन जो मैं सोच रहा हूं दोस्तों ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि LIC ही सरकार की अपनी हिस्सेदारी IDBI बैंक में ले ले। होल्ड किसका? पहले सरकार की हिस्सेदारी 86% थी, अब भाई LIC की हो जाएगी उसमें बढ़ के। साहब मैंने बता रखा है, कान इधर से पकड़ लो, LIC किसकी संस्था है? किसकी LIC संस्था है? गवर्नमेंट का LIC में कितना स्टेक है? बता रखा है पिछली वीडियो में यार, ज्यादा से ज्यादा स्टेक है, पूरी गवर्नमेंट की संस्था है, वो जाके देख लो आप। अभी कुछ बेचेगी वो IPO के थ्रू, वो बात की बात है। तो साहब IDBI में एक तरीके से पहले गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था, उसने LIC का सहारा लिया, LIC को हिस्सेदारी बेची, अब 47% की जो हिस्सेदारी है वो भी साहब LIC पे जा सकती है। LIC मिनी बैंक बना सकता है या नहीं बना सकता, ये भविष्य की संभावना है, पॉसिबिलिटी हर कोई यानी कि खुली हुई है। LIC अगर अपने काम को विस्तार करता है, उसे एक बैंक की अगर आवश्यकता होती है, तो LIC बैंक भी IDBI बन सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। मेरे ख्याल से आपको आंसर मिल गया होगा दोनों चीजों का, जो चीज आपने पूछी है। अब आगे बात करेंगे इसमें निवेश की। मेरे ख्याल से अब तक आपको ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी दोस्तों कि IDBI किस तरह एक लॉस कमा रहा था, अच्छा खासे नुकसान में था, कंडीशन बहुत खराब थी, सरकार ने एक प्लान तैयार करा LIC के थ्रू मिलके, साहब इस बैंक को बचाया गया, किसी भी कर्मचारी की नौकरी नहीं गई, किसी भी कर्मचारी को निकाला नहीं गया। मैं आपसे हर वीडियो में, मेरे ख्याल से पिछली कई वीडियो में दोस्तों ये बात बता चुका हूं कि प्राइवेटाइजेशन से किसी भी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी, सबके हितों का ख्याल रखा जाएगा, ये बात आप सिर्फ मान सकते हैं, विश्वास कर सकते हैं, वरना आपकी मर्जी है भाई, मर्जी के मालिक हो आप लोग, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने ख्याल से IDBI की पिछला पास्ट मैंने आपको सारा समझा दिया, अब समझते हैं IDBI का फ्यूचर, यानी कि इसमें निवेश 38 के आसपास दोस्तों इसका शेयर प्राइस चल रहा है, क्या इसमें निवेश करना एक अच्छा विकल्प होगा? डेफिनेटली दोस्तों इसमें एक अच्छा विकल्प, निवेश करना अच्छा विकल्प होगा, क्योंकि इसके पीछे साफ LIC जुड़ा हुआ है। बस ये बात ध्यान रख लो, आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। LIC के पास कितना पैसा होता है, कहां से वो आता है, वो सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। प्रीमियम एक माध्यम होता है LIC का, प्रीमियम LIC का प्रीमियम हर कोई देता है, और उसको पे उसको कब करना पड़ता है, 20 साल बाद। LIC की पूरी कहानी मैंने आपको बता रखी है, क्यों प्रॉफिट में है वो संस्था, समझ गए। अगर कुछ पूछना हो LIC के बारे में तो मुझे कमेंट्स करके भेजना, उसमें भी मैं पूरी पिक्चर आपको बता दूंगा कि LIC काम कैसे करती है, प्रॉफिट में कैसे रहती है, इतना पैसा, इतना कैश सरकार को, डिविडेंड वगैरह सब, यानी कि सरकार की मुसीबत में हर समय सहायता कैसे करती रहती है, सब कुछ बता दूंगा। तो मैं दोस्तों बता रहा था कि 38 के आसपास IDBI में निवेश क्या एक सुरक्षित विकल्प हो सकता है, गुड, मेरे ख्याल से अच्छा निवेश का तरीका हो सकता है, यानी कि अच्छा विकल्प हो सकता है। तो डेफिनेटली दोस्तों IDBI बैंक में 38 के आसपास एक अच्छा निवेश हो सकता है, क्योंकि इसके पीछे LIC जुड़ा हुआ है, सरकार अगर 47% की हिस्सेदारी LIC ही ले लेती है तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा जबरदस्त बूम आने वाला है इस IDBI बैंक के काउंटर में।
तो डेफिनेटली दोस्तों इसको हम बाय करने की सोचेंगे, मेरे ख्याल से अपर सर्किट भी पॉसिबल है मंडे को इसमें लगना। तो ये पूरी कहानी थी दोस्तों आईडीबीआई बैंक की। अगर आपको अभी भी कोई चीज समझ में ना आई हो या इसके आप मेरे ख्याल से बैलेंस शीट वगैरह जानना चाहते हो, मैंने बता दिया आपको कि लॉस से ये प्रॉफिट में आ चुका है दिसंबर क्वार्टर के, मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, फिर भी बहुत सारी चीजें रह जाती है, वो सारी चीजें अगर आपको जाननी हो तो व्हाट्सएप पे आप लोग मुझसे जुड़ के पता कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें होती है बैंकों के बताने के लिए, पीसीए क्या है, आरबीआई क्यों इनको लगाता है, बैंकों पे प्रतिबंध क्यों लगाए जाते हैं, काफी सारी चीजें, एनपीए ग्रोस एनपीए परसेंटेज, किस तरह ये एनपीए ग्रोस एनपीए निकाले जाते हैं, और कहानी क्या होती है कि दोस्तों ये एनपीए बढ़ते जाते हैं, रिकवरी क्यों नहीं होती इन एनपीओ की, कुछ कानून ऐसे हैं हमारे, क्यों लोग बाग यहाँ पैसा जो होता है वो लेके भाग जाते हैं साहब विदेश, बहुत सारे दोस्तों कारण होते हैं जो मैं व्हाट्सएप की क्लासेस में इस वीडियो में तो इतना बता नहीं सकता मैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी हो जाती है। फिर आप कहते हो सर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी हो गई, मैं हर चीज बताने की कोशिश करता हूँ, कभी कभी जल्दीबाजी में कुछ वर्ड स्लिप भी हो जाते हैं जो आप फिर कमेंट्स करके कहते हो सर आपने तो वहां ये बोल दिया, तो समझ जाया करो यार मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, थोड़ी बहुत अगर गलती इधर का उधर शब्द हो गया तो उसे भी थोड़ा एडजस्ट कर लिया करो यार मेरे भाई। तो दोस्तों बहुत सारी चीजें होती हैं बैंकों के बारे में बताने के लिए, एक्चुअली क्या है कि बैंकों में मेरा ज्यादा फोकस रहता है, बैंकों ही मैं रीढ़ की हड्डी मानता हूँ अपनी इकोनॉमिक्स की, किसी भी देश के इकोनॉमिक्स की रीढ़ की हड्डी बैंक होते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा मैं फोकस बैंक इन्वेस्टमेंट में ही करता हूँ, एफडी बैंक में, शेयर खरीदूंगा एसबीआई, मैं शेयर मार्केट में अगर जाना है इन्वेस्टमेंट करना है तो एसबीआई खरीदूंगा, बैंक में एफडी करनी है तो डेफिनेटली एफडी करेंगे, पोस्ट ऑफिस अच्छा विकल्प है। तो बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, आईडीबीआई मैंने आपको बता दिया है, कारण आपको मैंने इसके बता दिए हैं, पिछला पास्ट भी मैंने आपको बता दिया है, फ्यूचर भी मैंने आपको इसका बता दिया है कि इसका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, पास्ट जैसा भी हो लेकिन फ्यूचर डेफिनेटली दोस्तों इसका ब्राइट हो सकता है। याद रखिए एक बात, इसमें सरकार की हिस्सेदारी 47% है जो एलआईसी के पास जा सकती है, और ये संभावनाएं सबसे ज्यादा है, इसी को आधार मानते हुए एलआईसी में आईडीबीआई में इन्वेस्टमेंट एक अच्छा विकल्प हो सकता है। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ अपने वीडियो को यहीं करता हूं समाप्त, मिलूंगा कल किसी नए विषय के साथ, तब तक कीजिए इंतजार, फाइनली आपसे नमस्कार।